नमस्कार दोस्तों, आज की डेट में बात करेंगे दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक आज दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक ने बनाया है और एक अच्छे खासा यहाँ पर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। 82.20 रुपये पर स्टॉक ट्रेड बंद हुआ है और 0.70 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 0.87% की आज की डेट की बढ़ोतरी है स्टॉक। वैसे तो यहाँ पर स्टॉक ने आज के रेट का जो लो देखने को मिला है 79 रुपये के आसपास देखने को मिला है। 80 यानी कि 81 रुपये के आसपास, 80 के ऊपर के यहाँ पर लो देखने को मिला है आज की डेट का, और उसके साथ जो हाई देखने को मिला है 83 रुपये के आसपास का, यानी कि 3 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी स्टॉक में हुई है। वहाँ से वापस गिरावट देखने को मिली है और यहाँ का हाई था कल का और वहाँ से फिर लो हुआ, फिर यहाँ पर से अप ट्रेंड मोमेंटम देखने को मिला है। तो 82 रुपये के सपोर्ट जोन के साथ आज की डेट के स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। अगर यहाँ से फिर गिरावट की तरह अगर मोमेंटम है तो 81 से लेकर 80 रुपये तक वापस रिटेस्ट स्टॉक कर सकता है और 80 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक में। अगर यहाँ से 80 से नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो यह स्टॉक आपको 78 से लेकर 77 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, और यह सपोर्ट जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि यहाँ पर आप कंसोलिडेट ट्रेड कर रहा था। यहाँ से गैप अप हुआ और यहाँ से अगर गिरावट स्टॉक में होती है तो फिर आपको यह स्टॉक ज़्यादा नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी कि 60 रुपये तक, 60 से 50 रुपये तक भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से स्टॉक मोमेंटम अप ट्रेंड है तो 83 से लेकर 85 रुपये तक के जाने की संभावना स्टॉक बना सकता है, और 90 से लेकर 95 और 100 रुपये के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर जाने की संभावनाएँ बनते हुए नज़र आ सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक शेयर में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावनाएं हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।